नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 18 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला किया है? तो ये फैसला लिया गया है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से संबंधित दो इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, भारतीय कंपनी ओमेगा से की बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। सेकंड करंट अफेयर क्या है, भारत ने एलोइट तृतीय हेलीकॉप्टर बांग्लादेश को गिफ्ट दिया है। तो ये तो बात करी हमने बांग्लादेश के करंट अफेयर के बारे में। अब बांग्लादेश की लोकेशन देखिए, पहले आप कहां पर है, यह है बांग्लादेश की लोकेशन। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, देखो ये तो है बांग्लादेश, पूछा जाएगा भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो टोटल 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो है पश्चिम बंगाल, दूसरा कौन सा है यहाँ पर आसाम, तीसरा मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है ये मिजोरम। तो इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल है इसकी ढाका। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, करेंसी क्या है टका। बांग्लादेश के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। तो ये तो हमने बांग्लादेश की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर की। और देखो बांग्लादेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास होती है लाइन, कुछ इस प्रकार से ये पास होती है यहाँ से, भारत के 8 राज्यों से ये पास होती है और ये बांग्लादेश से भी पास होती है। और देखो भारत के ये 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से बोलता हूँ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल हो गए 8 राज्य। और बांग्लादेश के साथ भी, मतलब बांग्लादेश से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन जो है ये क्रॉस होती है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में इप्सा महिला फोरम की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो देखो ये जो इप्सा है ना, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, इप्सा है क्या, इप्सा क्या है, ये 3 देशों का एक ग्रुप है। अब इसमें ये 3 देश कौन कौन से आते हैं, ये तस्वीर में देखिए आप, इधर है ब्राजील, ये साउथ अफ्रीका और इधर है इंडिया। फिर से बोलता हूँ, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये तीनों देश इसके अंदर आते हैं। आई से बनता है अपना देश इंडिया, बी से आता है ब्राजील और एस ए इससे बनता है साउथ अफ्रीका। तो ये इन 3 देशों का ये ग्रुप है। और अभी हाल ही में ये जो मीटिंग हुई है ना, ये इप्सा फोरम की, ये इप्सा महिला फोरम की ये 6ठी बैठक हुई है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें अगर हम इप्सा की, इप्सा का मतलब, इसका फायदा क्या होता है, तो देखो ये जो 3 देश हैं इनके अंदर एग्रीकल्चर, ट्रेड, कल्चर, डिफेंस के क्षेत्रों में कॉपरेशन को, मतलब इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है इसको प्रोमोट करना, और ये साउथ साउथ कॉपरेशन को भी प्रोमोट करती है। इप्सा का गठन कब हुआ था, अगर ये पूछा जाए ये फॉर्म में कब आई थी ये बॉडी, तो देखो डेट आप एग्जैक्ट याद रखेगा 6 जून 2003। बस ये 2003 आप याद रखेगा कि 2003 में इस बॉडी को फाउंड किया गया था इप्सा। और इसमें 3 देश आते हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। अब चलते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 और 22 मार्च 2021 को किस राज्य का दौरा करने वाले हैं, तो बताइए। तो देखो ये दौरा करेंगे कहाँ का, ये करेंगे ओडिशा का। ओडिशा में जो राउरकेला है ना, राउरकेला में स्टील प्लांट संचालित इस्पात जनरल हॉस्पिटल, इसका ये उद्घाटन करेंगे। और राउरकेला में NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी जो कन्वोकेशन होगी ना, इसको ये अटेंड करेंगे 21 मार्च को। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। अब बात यहाँ पे ओडिशा की हुई है, तो ओडिशा का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर में LPG उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। देखो क्वेश्चन इन पॉइंटों से सीधा बनता है एग्जाम में। सेकंड पॉइंट क्या है, ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ओडिशा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की जनगणना की गई थी। पांचवा पॉइंट क्या है, उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस AK मिश्रा होंगे। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा।
करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उड़ीसा में स्थित है। ये तो बात करी हमने उड़ीसा के करंट अफेयर के बारे में, अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए अब कहाँ पर है। यह है उड़ीसा की लोकेशन, इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है ये हम देख लेते हैं। देखो इधर है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, टोटल मिलाकर चार राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। और देखो इन चार राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। यहां पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे अगर लेक की बात करें तो चिल्का लेक इंपोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। डैम हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के ऊपर है। मंदिरा डैम ये संख रिवर के ऊपर है। और राउरकेला जिसे उड़ीसा का स्टील सिटी भी बोला जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसके कुछ सेक्शन का मतलब इनको ठीक से फॉलो नहीं किया है, इसलिए इस पे 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है RBI के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो इस प्रकार की न्यूज आए दिन आती रहती है कि RBI ने इस बैंक पर इतने करोड़ की पेनल्टी लगा दी है, इतने करोड़ की पेनल्टी लगा दी है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। लेकिन इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे? SBI के बारे में हम जान लेते हैं। देखो SBI का नाम कैसे रखा गया? पहले 3 बैंक हुआ करते थे, कौन कौन से? बैंक ऑफ कलकत्ता, दूसरा कौन था? बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा कौन सा था? बैंक ऑफ मद्रास। तो ये जो बैंक ऑफ कलकत्ता था इसका गठन कब हुआ? 1806 में। दूसरा कौन सा है? बैंक ऑफ बॉम्बे, इसका गठन कब हुआ? 1840। तीसरा बैंक ऑफ मद्रास, इसका कब हुआ? 1843। तो देखो आगे चलकर इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, फिर क्या बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना ये? ये बना 1921 में, और 1921 से लेके 1955 तक इस बैंक ने काम किया, मतलब इस नाम से इस बैंक को जाना जाने लगा। फिर आगे चलकर 1955 में 1 जुलाई 1955 में इस बैंक का नाम चेंज कर दिया गया, फिर क्या रखा गया? SBI, जिस नाम से इसे आज जाना जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी आप ये डेट याद रखेगा, डेट कौन सी है? 1 जुलाई 1955 में इस बॉडी का मतलब SBI का नाम दिया गया था इस बैंक का। अब SBI की बात करें, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। अगर इसके हम चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खैर। फिर से बोलता हूँ, दिनेश कुमार खैर ये चेयरमैन है SBI के। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है SBI। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में किसने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है? तो देखो CRPF की 53वीं बटालियन, इसने जम्मू कश्मीर के जो ये लोग हैं ना, कश्मीर के, यहाँ के देखो कश्मीर में एक जिला है बारामूला जिला, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। इसमें ये लोगों को मेडिसिन, सैनिटाइजर, फेस मास्क प्रोवाइड कराएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, CRPF। देखो ये जो CRPF है ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, समझ गए। इस बॉडी का गठन कब हुआ था? तो देखो 1939 में इस बॉडी का गठन हुआ था, लेकिन उस टाइम पे इसे इस नाम से नहीं जाना जाता था, उस टाइम पे इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। फिर आगे चलकर 1949 में इसका नाम क्या रखा गया? CRPF, जिस नाम से इसे आज जाना जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कब? 1949 को। पूरी डेट क्या है? 28 दिसंबर 1949। बस आप ये आगे की याद रखेगा 1949। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंदर ये बॉडी काम करती है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है ये कौन है? तो ये हो गए अमित शाह, क्योंकि इन्हीं के पास है ये मंत्रालय इस टाइम पे। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके अगर हम मोटो की बात करें ना, मोटो क्या है इसका? तो देखो मोटो है इसका सेवा और निष्ठा। फिर से बोलता हूँ, सेवा और निष्ठा, ये इसका मोटो है। अब बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो देखो जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में एक दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। तो ये तो बात करी हमने जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर के बारे में।
अब इसकी लोकेशन देखिए, अब कहां पर है, यह है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। देखो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इनके साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। पूछा जाएगा पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो राज्य तो है तीन, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और दो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। टोटल मिलाकर हो गए पांच, जिनके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर की बेसिक डिटेल की बात करें हम, तो श्रीनगर और जम्मू दो इसकी कैपिटल है। श्रीनगर समर कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों की एक साथ फॉर्मेशन हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। पूछा जाए पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर की, तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। पंकज मित्तल, ये मुख्य न्यायाधीश हैं जम्मू और कश्मीर के, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इनके साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में दिलीप गांधी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो देखो इनका संबंध था राजनीति से, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पॉलिटिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय और खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए किस देश के युवा खेल और सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मालदीव। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें मालदीव की, कैपिटल क्या है, माले। करेंसी क्या है, मालदीवियन रुपया। इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये कौन है, ये प्रेसिडेंट है मालदीव के। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो अभी हाल ही में ना दो अपॉइंटमेंट हुई हैं, कौन कौन सी, एक तो एम ए गणपति, इनको तो बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल, तो इस क्वेश्चन का तो ए आंसर सही है। दूसरी नियुक्ति किसकी हुई है, तो ये हुई है कुलदीप सिंह की, ये जो बी ऑप्शन में लिखा है। इनको कहां पे अपॉइंट किया गया है, सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल इनको अपॉइंट किया गया है। बात करें हम एन ए गणपति की, तो ये है कौन, तो ये देखो उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं, और प्रेजेंट टाइम में ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में ये डीजी के रूप में बने हुए हैं। बात करें कुलदीप सिंह की, ये सीआरपीएफ के इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, ये भी पश्चिम बंगाल के 1986 के आईपीएस ऑफिसर हैं। याद रखेगा ऊपर वाले एम ए गणपति ये तो उत्तराखंड के हैं, और कुलदीप सिंह ये पश्चिम बंगाल के 1986 के आईपीएस ऑफिसर हैं, और इनको ये स्पेशल डीजी बने हुए थे सीआरपीएफ में, और अब इनको डीजी बना दिया गया है। तो देखो सीआरपीएफ के बारे में तो हमने इसी डिस्कशन में कवर कर लिया है, बात कर लेते हैं एनएसजी के बारे में। एनएसजी का पूरा नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1986 में। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अंदर में सीआरपीएफ काम करती है, और अमित शाह जी वही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर भी हैं, इतना आप याद रखेगा। और देखो जो टेररिज्म संबंधित केसेस होते हैं ना, उनको ये बॉडी डील करती है एनएसजी, जिसका पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में किस देश ने प्रधानमंत्री ने सूचित किया कि देश ने कोविड 19 महामारी की तीसरी लहर में प्रवेश किया है, तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो इस क्वेश्चन का फ्रांस आंसर सही है। बात करें फ्रांस की, देखो कुछ टाइम हमने पहले पढ़ा था, यूनियन कैबिनेट यानी भारतीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी थी। अब फ्रांस की लोकेशन देखिए, अब कहां पर है, यह है फ्रांस की लोकेशन, यूरोप में है फ्रांस। इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है पेरिस, और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। यूरो इसकी करेंसी है, इमैनुअल मैक्रोन ये प्रेसिडेंट है, जीन कास्टेक्स ये प्रधानमंत्री है, ये स्पेन है और ये फ्रांस है। देखो इधर देखिए आप, यह पायरेंस जो इन दोनों के बॉर्डर पर है, यहां पर आएगी ये पायरेंस, फ्रांस और स्पेन इन दोनों के बॉर्डर पर है। एग्जाम में इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पायरेंस जो ये रेंज है ना, ये किन दो देशों के बॉर्डर पे है, तो फ्रांस और स्पेन इन दोनों के बॉर्डर पे है। अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई ओन 2021 खोला हप्टा कांग जेइबोंग में वैश्विक मानक के स्थानीय उत्पादों के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का अनावरण किया है। देखो एक कंसेप्ट चल रहा है इस समय वोकल फॉर लोकल, इसी को प्रमोट करने के लिए इसको ये मतलब इस प्रदर्शनी अनावरण की गई है, कहाँ पर, मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है ये बताइए आप, तो देखो इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे, पहले मणिपुर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे देखो ये करंट अफेयर है, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं, ये तो बात करी हमने मणिपुर के करंट अफेयर के बारे में। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री देखते हैं कौन है, तो देखो पहले मणिपुर की लोकेशन देख लीजिए आप। मणिपुर की जो लोकेशन है ना, इसकी बाउंड्री तीन राज्यों के साथ लगती है। अब ये तीन राज्य कौन कौन से हैं, आसाम, नागालैंड और मणिपुर। इधर है ये मणिपुर,
सॉरी मिजोरम के साथ लगती है। आसाम, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर तो इधर है, और बर्मा यानी म्यांमार, इसके साथ भी मणिपुर इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अब मणिपुर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसे कवर करते हैं। तो इम्फॉल तो इसकी देखो कैपिटल है, फॉर्मेशन कब हुई थी, 21 जनवरी 1972 को। एन बीरेन सिंह यह है मुख्यमंत्री, नजमा हेपतुल्ला ये राज्यपाल हैं। 16 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इम्फाल में इसकी हाईकोर्ट है, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, पीवी संजय कुमार। नागालैंड, मणिपुर और आसाम, इन तीन राज्यों के साथ, सॉरी नागालैंड, मणिपुर और असम, देखो यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे मणिपुर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मिजोरम। अभी हमने मैप में पढ़ा था ना, आसाम, मिजोरम और नागालैंड, इन तीन राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। ये देखिए इधर भी, आसाम, नागालैंड और मिजोरम, इन तीन राज्यों के साथ मणिपुर की सीमा लगती है। और इम्फाल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यह है पीवी संजय कुमार। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, तो ये किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, YS जगन मोहन रेड्डी ने। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पे होगा क्या, मंदिर से संबंधित जो भी जानकारी होगी ना ये यहाँ पे उपलब्ध होगी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखिए, देखो आंध्र प्रदेश की लोकेशन ये रही, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। अब आंध्र प्रदेश की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसे हम कवर कर लेते हैं। जैसे हैदराबाद तो इसकी देखो कैपिटल है, फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 में। YS जगनमोहन रेड्डी ये मुख्यमंत्री हैं, विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल हैं। 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। हाईकोर्ट कहाँ पर है, अमरावती में इसकी हाईकोर्ट है। देखो ये देश की 25वीं और लेटेस्ट हाईकोर्ट है। आज की डेट में अगर पूछा जाए देश में कितनी हाईकोर्ट है, तो टोटल 25 हाईकोर्ट है, और ये जो 25वीं लेटेस्ट हाईकोर्ट है ना अमरावती, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। लेक की बात करें, पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, कोलिरू लेक, कुंभम लेक, ये सब कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन, श्री साइलम सेंचुरी, ये तो इम्पोर्टेंट है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलापड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। देखो आंध्र प्रदेश की अभी कैपिटल है हैदराबाद, और यही तेलंगाना की भी कैपिटल है, लेकिन आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश ने ना साउथ अफ्रीका का जो मॉडल है, जहाँ पर 3 कैपिटल है, इस मॉडल को मंजूरी दे दी है। तो आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल देखने को मिले। अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो बताइए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इस नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसे कब मनाया जाता है, तो इसे 16 मार्च को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं मार्च के इंपोर्टेंट डेज की। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है, 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 2021 में विश्व किडनी दिवस ये 11 मार्च को मनाया गया है, 15 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है, देखो यहाँ पे आएगा 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये तो बात करी हमने मार्च के इंपोर्टेंट डेज के बारे में। देखो फरवरी के इंपोर्टेंट डेज ये रहे आपके सामने, इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में किस देश से आगे निकल गया है, तो बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है, आप बताइए, इस क्वेश्चन का है सऊदी अरेबिया। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगर पूछा जाए ना भारत जो तेल इंपोर्ट करता है ये किन किन देशों से करता है, तो अब आप एक रैंक याद रखिएगा। देखो सबसे ज्यादा जो करता है ना ये करता है इराक से, इराक आता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, तीसरे नंबर पे आता है नाइजीरिया, ये तीसरे पे है, और चौथे पे आता है सऊदी अरेबिया, और पांचवे पे कौन सा आता है, UAE। फिर से बोलता हूँ, पहले पे इराक, दूसरे पे USA, तीसरे पे नाइजीरिया, चौथे पे साउथ अफ्रीका, और पांचवे पे आता है UAE। देखो एक बॉडी है OPEC, इसका पूरा नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसमें टोटल 14 देश आते हैं। ये एक कार्टेल है जहां पर मतलब देखो तेल जो है ना इसकी प्रोडक्शन होती है, और इसका गठन कब हुआ था, 1960 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है।
तो समझ गए ना आप। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली। जब मई 2021 में ये चैंपियनशिप होगी तब देखेंगे इसमें कौन जीता है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। अब बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉइंट रिवर कमीशन JRC के ढांचे के तहत भारत बांग्लादेश जल संसाधन सचिव सत्र बैठक मार्च 2021 में किस शहर में हुई, बताइए। तो ये कहां पर हुई थी, तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो ये हुई थी नई दिल्ली में, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और बांग्लादेश के बारे में हम इसी डिस्कशन में पहले क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। तो ये तो थे देखो हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ, तो ये हुआ उत्तर प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा के बाद किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरी में 75% आरक्षण को मंजूरी दी है, तो इस क्वेश्चन का है झारखंड सही आंसर। भारत ने किस देश की सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, तो ये लगाई है भारत ने चीन की इस ड्रग पर। अंजुआन बंदरगाह कहाँ है, ये देखो कोमोरोस में स्थित है। कौन T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन किया। सेकंड क्वेश्चन, 15 मार्च को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी। किस राज्य में पारिस्थितिकी को रोकने के लिए ठंडे शुष्क क्षेत्रों में सीबक थॉर्न पौधे लगाए जाएंगे। मार्च 2021 में भारत का विदेश मुद्रा भंडार किस देश के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने IPS अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया है। तो देखो ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, इसमें आप रैंक भी बताइएगा, पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। तो इन पांचों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।